वापस लो, वापस लो। आतंकवाद हाय हाय, आतंकवाद हाय हाय, आतंकवाद हाय हाय, पाकिस्तान हाय हाय, पाकिस्तान हाय हाय, बीओके वापस लो, वापस लो, बीओके वापस लो, वापस लो, बीओके वापस लो, वापस लो। आतंकवाद हाय हाय, आतंकवाद हाय हाय, पाकिस्तान हाय हाय, पाकिस्तान हाय हाय, पाकिस्तान हाय हाय, पाकिस्तान हाय हाय, आतंकवाद हाय हाय, आतंकवाद हाय हाय, बीओके वापस लो, वापस लो, 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 आतंकवाद हाय हाय, आतंकवाद हाय हाय, बीओके वापस लो, वापस लो, आतंकवाद हाय हाय, आतंकवाद हाय हाय, आतंकवाद हाय हाय, आतंकवाद हाय हाय, बीओके वापस लो, वापस लो, बीओके वापस लो, वापस लो। पुलवामा के अंदर जो आतंकवादियों ने एक आत्मघाती हमला कर 40 भारतीय जवानों को जो है वो शहादत दी थी, उस शहादत को नमन, उनके सर्वोच्च बलिदान को भावभीनी श्रद्धांजलि। देखिए, पाक द्वारा प्रायोजित आतंकवाद लगातार जम्मू कश्मीर के अंदर सक्रिय है। 2019 में पुलवामा हमले के बाद हालांकि भारतीय सेना ने जोरदार सर्जिकल स्ट्राइक कर पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया था, मगर उसके बावजूद भी पाकिस्तान लगातार जम्मू कश्मीर के अंदर अपनी आतंकवादी गतिविधियों को जारी रखे हुए है। पिछले 5 सालों की बात करें तो 200 भारतीय जवानों ने शहादत दी है और लगभग इतने ही आम लोग भी आतंकवादी गोलियों का निशाना हुए हैं। 2023 की बात करें तो मात्र एक साल में 31 लोग भारतीय जवानों को जो है शहादत देनी पड़ी है। हमारी ये मांग है कि पूछना चाहते हैं कि आखिर कब तक जम्मू कश्मीर देश जो है वो शहादत, अपने जवानों की शहादत को सहेगा। हमारी मांग है प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी से कि पाकिस्तान के ऊपर जोरदार सैनिक प्रहार किया जाए, जोरदार सर्जिकल स्ट्राइक की जाए और पीओके को जो वापस भारत के अंदर मिलाने का, अवैध कब्जा उसका पाकिस्तान से हटाने का जो वादा किया गया था, उसको जल्द से जल्द पूरा किया जाए।